अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मटन विद ब्लैक पेपर। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद प्याज, 4 अदद हमने टमाटर लेने हैं जी। गोश्त को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। इसके अंदर हमने चॉप करके प्याज डाल दिए हैं जी। इसको हम कढ़ाई में पकाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूवर्स। और ये इसमें हमने 4 अदद टमाटर डाल दिए हैं। अभी हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर और 1 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और नमक व्यूवर्स हम इसमें हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 1 किलो मटन लिया है व्यूवर्स, ये इसकी रेसिपी है। इसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और 40 से 45 मिनट तक हम इसको कढ़ाई में ही कुक करेंगे। इसको हम कुकर में कुक नहीं करेंगे। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा व्यूवर्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली मज़ीद वीडियोस आप देख सकें जी। व्यूवर्स, ये तकरीबन 40 मिनट हो गए इसको पकते हुए। गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। अभी हम इसका पानी खुश कर लेंगे। व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनेगी। इसको आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है एक दफ़ा से, और मुझे आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपकी कढ़ाई घर में कैसी बनी है। ये बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है व्यूवर्स। गोश्त तकरीबन गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन अब खुश्क हो चुका है व्यूवर्स। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के व्यूवर्स इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है। जी व्यूवर्स, ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया। इसको तकरीबन से 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका कलर बहुत प्यारा आएगा व्यूवर्स। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है। इसको भी भून लेंगे अच्छे से। और 1 कप तकरीबन हम इसमें दही ऐड करेंगे, इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी व्यूवर्स और इसका टेस्ट भी बड़ा लाजवाब आएगा। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे व्यूवर्स। दही का पानी खुश्क करेंगे इसको अच्छे से। जी व्यूवर्स, ये दही का पानी हमने खुश्क कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे हम। और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको कुक करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। हम इसमें 1 खाने का चम्मच जो है काली मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये हमने हरा धनिया, हरी मिर्च और जो अदरक स्लाइस करके रखी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे व्यूवर्स। इसका जो धनिया का और अदरक का टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। जी व्यूवर्स, हमारी बहुत ही अच्छी और कमाल की रेसिपी व्यूवर्स तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे।